हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सब? और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी की सिचुएशन आप जानते ही हैं, जो पॉलिटिकली हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और हम सब की संवेदनाएं उनके साथ हैं, सिंपैथी उनके साथ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पे बहुत अच्छा कदम भी लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगी। दोनों जगह बात करके उन्होंने जो बात की हाँ, है। और आज हम मैं कुछ दूसरी डिश बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इंडिया जाते हैं ना, तो हम ट्रेवल करते हैं 1 वीक के लिए। जैसे कभी फैमिली के साथ निकल गए या कभी हम दो ही निकल गए। 2019 में जब मैं इंडिया गए थे ना, हम दोनों इंडिया जब गए थे, तो हमने इधर जितनी देवियों के दर्शन होते हैं ना, वैष्णो देवी और उधर कांगड़ा देवी और नैना देवी, सब जगह के हमने दर्शन किए थे। हम शायद कठुआ से वापस आ रहे थे, हाँ, कठुआ से हम वापस आ रहे थे पठानकोट के लिए। तो हमने अपने ड्राइवर को, हमने 1 वीक के लिए टैक्सी हायर करी थी, और हमने अपने ड्राइवर को क्लियरली बोला था, हमें किसी हाई फाई होटल में नहीं रुकना, हमें कहीं ऐसी जगह नहीं खाना है कि जहां पर एक्स्ट्रा टेस्ट हो, हमें देसी खाना खाना था, एक्चुअली ढाबा स्टाइल ढाबा स्टाइल। वाला। हाँ, ढाबा स्टाइल वाला खाना खाना था। मगर जो उसने एक जगह, मतलब अमृतसर आने से कुछ देर पहले, आउटर ऑफ अमृतसर बोल सकते हाँ, हैं। आउटर ऑफ अमृतसर, उसने जो ढाबे पे रोका है ना, क्या खाना मिला, क्या बैगन का भरता मिला। और जो आज मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं ना, उसका नाम भी आग लगाने वाला है, और जो खा के जो टेस्ट आता है वो जो टिपिकल ढाबा स्टाइल है ढाबा स्टाइल मैं बनाने जा रही हूं आज। बताओ क्या बनाने जा रही हूं? वो। तुम बताओ क्या है आज? पनीर चिंगारी नाम है ना धासु। तो चलिए मेरे साथ आइए मेरी रसोई में और बनाते हैं पनीर चिंगारी, ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से मसाले चाहिए और क्या चीज चाहिए पनीर चिंगारी बनाने के लिए। सिंपल सिंपल सी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपके घर में मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। पनीर जो मैंने लिया है वो 200 ग्राम पनीर लिया है। धनिया लीव्स और हरा प्याज की लीव्स को धो के काट लिया है। एक प्याज मैंने बारीक काटा है। ये धनिया पाउडर है और सफ़ेद तिल लिए हैं जो बिना भुने होते हैं, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये काली मिर्च है, और ये मैंने साबुत लाल मिर्च को बारीक बारीक काट लिया। एक्चुअली साबुत मिर्ची डलती है, पूरी पूरी साबुत, मगर मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और दूध है, हल्दी है थोड़ी सी, और कसूरी मेथी है, और गरम मसाला है, और तेल तो आप सब जानते हैं और अब तक जान भी गए होंगे। मैक्सिमम सब्जियां मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और पैन गरम हो रहा है। और ये मैं हर बार जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, मैं हमेशा ये बताती हूँ, सरसों के तेल को पहले गरम कर लीजिए, फिर उसमें कोई भी रेसिपी फिर बनाइए, क्योंकि सरसों के तेल को जलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है और अच्छा गरम हो गया है। और हम लोग की जो रेसिपी में मेन जो चीज होती है जीरा, तो सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। हाफ चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और उसमें अब मैं डाल दूंगी प्याज, और उसको आप भून लीजिए, हल्की आंच रखिएगा, भून लीजिए। प्याज मैंने डाल दिया है और कटा हुआ धनिया डाल दिया है, हरा धनिया, और इसमें कटा हुआ हरा प्याज डाल दिया है, और इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। तो इसमें कसूरी मेथी आप थोड़ी सी क्रश करने की हाथ से जरूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। तो मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब डाली होगी, और इसको अच्छे से आप भूनिए हल्की हल्की आंच में। और ये देखिए भुनना शुरू हो गया है। अब इसको आप
ये जो पोटैटो मैशर जो हम नॉर्मली हम सबके घर में पाव भाजी बनाने के लिए हम सब्जियां जिससे मैश करते हैं उससे अच्छे से मैश कर लीजिए। तो क्या होगा, सब जो ग्रीन सब्जी हमने डाली जैसे धनिया और हरा प्याज वो अच्छे से नॉर्मल प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा, ये देखिए। और इसको मैं इसमें से भी रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो जिससे कि सब कुछ इसमें आ जाए। मैंने एक कप के करीब दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है दूध, और उसमें थोड़ी सी पनीर के ये कटे हुए जो पीसेस है, जो क्यूब्स मिलते हैं वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है। तो मींस इसका मैं पहले पेस्ट बनाऊंगी फिर इस ग्रेवी में डालूंगी, और तब तक ये हल्की आंच में अच्छे से भुन जाएगा। मैंने ये पनीर और दूध को इसका पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा लिक्विड रखा है जिससे कि ग्रेवी जब बनेगी तो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। तो देखिए इसमें ना काजू डला है ना कुछ भी क्रीम डली है, मगर टेक्सचर जो आएगा इस सब्जी का वो बहुत क्रीमी आएगा पनीर की वजह से। तो मैंने ये सब डाल दिया है पनीर इसमें और ग्रेवी में, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो धनिया पाउडर मैं छोटी चम्मच यूज करती हूँ, तो वो एक चम्मच डल जाएगी। भुना हुआ जीरा पाउडर वो मैं आधी चम्मच डालूंगी, और काली मिर्च मैं 1/4 चम्मच डालूंगी, और लाल मिर्च भी मैं 1/4 चम्मच डालूंगी। ये नॉर्मल वाली लाल मिर्च है तो इतना हम लोग के लिए ठीक है। और हल्दी आप डालें या ना डालें दोनों में सेम रहेगा, मगर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ कि एक हल्का सा कलर आने के लिए, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी को चलाया है और कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब जब ऐसा टेक्सचर आ जाए, जब थोड़ा थिकनेस आ जाए, तब आप नमक डालिए। नमक हमेशा अपने घर के अकॉर्डिंग ही डालिए कि आपके घर में कैसा खाया जाता है। और सब मसालों को बैलेंस करने के पनीर की सब्जी में जो मुझे लगता है थोड़ी सी चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, तो सारे मसाले सारा जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। बहुत थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है, 2 पिंच डाली। ये देखिए जरा आप दिखाइए ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है? अभी देखने से तो अच्छी लग रही है। मुझे तो वैसे भी क्या ग्रेवी में कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना वो ही अट्रैक्ट करते हैं, तो अच्छी लग रही है। हाँ है अभी तो बढ़िया लग रही है। अच्छी लग रही है। अब इस ये ग्रेवी हमारी बन गई है, चलिए अब इस सब्जी के दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पैन ले लिया है और इसमें भी अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और इसको फिर से हम गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। देख के ये लगी चिंगारी, लग गई यार। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा सफेद तिल, मसालों में थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी, और इसमें डलेगी साबुत कटी हुई जो साबुत मिर्ची होती है ना लाल मिर्च, वो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा ग्रीन अनियन, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और अब जो इसमें डलेगा थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, इसमें भी कसूरी मेथी जो आपको हाथों से क्रश नहीं करनी ऐसे ही डालनी है, तो मैंने 1 चम्मच भी पूरी नहीं डाली, और इसमें कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा जो रेड कलर आएगा ना, फूड कलर भी आप डाल सकते हो मगर अवॉइड करना, ये
कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल दीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखी नहीं होती। बाकी तो हमने सारे मसाले यूज कर रहे हैं इसमें तीखापन लाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए सब्जी को। और इसको अच्छे से चलाइए, ये सब चीज इस पे कोट हो जाए, सारे मसाले इस पे कोट हो जाए। जब ये कोट हो जाएगा फिर आप थोड़ा सा नमक डालिएगा। ये देखिए क्या कलर आया है, वाह। और इसमें अब डलेगा थोड़ा सा नमक और इसको चला लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं चलाना, नहीं तो ना पनीर कड़क हो जाता है। ये देखिए और ये सब्जी हमारी रेडी है और अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। और ग्रेवी को हम अब एक प्लेट में डाल दे रहे हैं। मजा आ जाएगा इसको रोटी के साथ खाने में। अब ढाबा स्टाइल में है तो वैसे हाँ। तंदूरी रोटी, पर अगर नहीं तो घर पे नॉर्मल रोटी भी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। और इसके ऊपर ये पनीर आप डालिए, वाह 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 क्या लग रही है, और इसको धनिया पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए। ये बन गया है पनीर चिंगारी। चलिए अब खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसी बनी है। पनीर चिंगारी तो बनाया है, प्लेट में ये रेडी लेकर आए हैं कि चिंगारी प्रॉपर चिंगारी होनी चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट भी किया था कि जो रेसिपीज होती है ना तो वो क्या इतनी ही लंबी होती हैं या जल्दी बन जाती है, मुझसे पूछा था पर्सनल में। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं एक उसी को नहीं सभी को बताना चाह रही हूँ, रेसिपीज जो होती है ना 10 से 15 मिनट में ऑलमोस्ट, जो मेरी रेसिपीज होती हैं जो 10 से 15 मिनट में बन जाती हैं। और मगर क्या होता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं जिससे कि हम सबको ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरी चीज जो आज बहुत ही बढ़िया हुई, देखो दोस्तों मैं आपके बिहाफ पे आर्ट टेस्ट जरूर करूंगा। ये जो कंप्लेंट हमारे दोस्तों की है कि खुद ही खाता रहता है, हमने नहीं खिलाया। और बेस्ट आज जो हुआ ना, आज हम अपने फैमिली फ्रेंड से मिले अभिलाष भैया से, जो उन्होंने हमारी नकल उतारी है आज कि जब मैं मतलब कुछ भी कुक करती हूँ उसके बाद ये और मैं जो बात करते हैं एक्चुअली वो हम दोनों की नेचुरल बात होती है। हम नॉर्मल वे में भी खाना खाते वक्त ऐसे ही बात करते हैं, मगर जो आज उन्होंने हमारी नकल उतारी है ना वो मजा आ गया। सो अभिलाष ऑन योर बिहाफ आज मैं फिर टेस्ट करूंगा और फिर बताऊंगा। तो देखें ये, मैं भैया बोलती हूँ हाँ आप खा के बताओ आपको कैसा लगा। डेफिनेटली ऑन बिहाफ ऑफ अभिलाष तेरे बिहाफ, अभिलाष भी भैया भी और हम सभी के फ्रेंड्स के बिहाफ पर ये खा के बताएंगे, क्योंकि सभी फ्रेंड्स का सपोर्ट है हमको, वो सब लोग चाहते हैं कि हम इस यूट्यूब पे आगे बढ़े। थैंक यू सो मच जो आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, अपना मतलब हमें सपोर्ट दिखाते हैं उसके रियली थैंक यू सो मच। अब मैं इनसे पूछती हूँ कैसी बनी, खा चुका हूँ। चिंगारी लगी कि नहीं लगी? चिंगारी लगी, अच्छी है, काफी अच्छी है, क्योंकि हमने 2019 में खाई थी और उसके बाद मैंने बनाई आज ही है, बीच में मैंने बनाई भी नहीं है। मैं भी खा के बताती हूँ। राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, काफी अच्छा टेस्ट है। जिसको चटपटा खाने का शौक है ना प्लीज बनाइए और मुझे जरूर बताइए, मेंशन करिए कि आपको कैसे लगे। हाँ, और जो मसाले तेज नहीं खाते ना तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी है कि चिंगारी नाम रख दिया तो वो लोग नहीं खाएंगे जिनको हल्का मसाला पसंद है। आप ये बनाइए और हल्के मसाले रखिए वो भी चलेगा। और हमारे चैनल को द टंडन परिवार को अपना प्यार दीजिए, इसी तरह लाइक कीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपके जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, मैं हर कमेंट रीड करती हूं। और प्लीज मुझे और बेटर बनाने के लिए आप कमेंट्स जरूर करिए। आप जब वीडियो देखते हैं और आपको उन्हें कुछ भी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक का आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। हाँ, और वो ना नोटिफिकेशन का बेल होता है उसको जरूर ऑन रखिए, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली उसका मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि न्यू वीडियो अपलोड हो गया है। और सब्सक्रिप्शन एक ही बार करना है जी। चलिए अब हम चिंगारी खाते हैं और कानों से चिंगारी और धुआं निकालते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और त्योहार आने वाला है, उस त्योहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।